हेलो सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज जिसमें हम वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट योर सी ई टू जीरो वन पेपर फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नो हाउ टू अप्रोच इट इम्पॉटेंट क्वेश्चन एक्सेट्रा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू नो द सिलेबस सात कविताएँ हैं सात एसेज हैं आपके रिपल्स ऑन द सैंस ऑफ टाइम एंड जो दूसरी किताब क्या है रिफ्लेक्शन फ्राम द ईस्ट एंड वेस्ट जहाँ से सात एसेज हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव लाइक अ ग्रामर पोर्शन जिसकी पिछले वीडियो में भी बात की गई है सो वील गो थ्रू ऑल ऑफ दिस फ्राम द एग्जाम माइंड सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज यू नो होपफुली कि तीस मार्क्स के तो आपके इंटरनल्स होंगे सेवेंटी मार्क्स का आपका फिर जो फाइनल पेपर होगा जो इस बार शायद अप्रैल में हो रहा है सो एंड दे लाइक यू नो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन Uh, you know. so, um, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना सो जैसे कि और रेफरेंस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि एक टेक्स्ट ले गया गया है उसमें से आपको एक कुछ लाइनें ली गई हैं पंक्तियाँ ली गई हैं और उनके बारे में आपको बताना है क्या कहा गया है कहाँ से ली गई हैं ये लाइंस एंड

और लाइक यू नो इफ अगर आपने एक गाइड से मान लीजिए एक चैप्टर के दो तीन सवाल रट लिए हैं तो ये नहीं कि बिना सोचे समझे बस उसी का ही आंसर लिख दिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और उसी हिसाब से फिर आप अपने आंसर को मोल्ड करेंगे या एंड अगेन लाइक यू नो इफ इट से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है राइट द

दो तीन लाइनों में आप इसके बारे में बात कर सकते हैं और कविता के माध्यम से कह सकते हैं कि औजिमाणिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉट मोर देन टू थ्री सेंटेंसेस इफ़ इट्स अ फाइव मार्क क्वेश्चन देन slightly more detail you know you can talk a little more about टेक्सचुअल examples कहाँ कविता से कुछ उदाहरण लेकर आप अपने point को justify कर सकते हैं क्योंकि जो भी आप राय दे रहे हैं ओपिनियन दे रहे हैं यू नीड टू बी एबल टू सपोर्ट इट यू नो टू भी एबल टू जस्टिफाई इट तर्क दे के चाहे आप text से उदाहरण दे या फिर आर्ग्यूमेंट दे सो so, एंड again इफ it's अ टेन मार्क क्वेश्चन देन यू need टू बी एबल टू टॉक अबाउट इट मोर लाइक गिव मोर एग्जाम्पल्स मोर जस्टिफिकेशन लॉजिक देना है आपको और साथ ही साथ इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कैन कनेक्ट इट टू द लार्जर वर्ल्ड आउटसाइड द टेक्स्ट अपने समाज से भारत के या फिर वर्ल्ड अफेयर से अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को दैट विल बी ब्रिलियंट यू नो दैट मेक्स फॉर अ गुड आंसर वेर यू कैन गेट अगर दस मार्क्स का सवाल है मे बी यू कैन गेट एट और इवन नाइन टेन आउट ऑफ टेन कभी नहीं मिलता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ह्यूमैनिटीज़ में कुछ दैट मीन्स बेसिकली कि आपका आंसर परफेक्ट है इससे अच्छा कोई और लिख ही नहीं सकता था मैथ में जैसे टू प्लस टू इक्वल्स फोर फुल मार्क्स दैट्स इट बट ह्यूमैनिटीज वर्क्स डिफरेंटली राइट सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड सो देन विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू नो आपको हर चैप्टर में से कम से कम हर चैप्टर के आपको मेन थीम्स और समरी आनी चाहिए समरी क्या है बेसिकली अपने शब्दों में आपका पूरा जो मेन पॉइंट्स है डिटेल्स है आपको पता होने चाहिए चाहे वो कविता है या ऐसे है या स्टोरी है यू नीड टू नो द समरीज इन योर ओन वर्ड्स यू नो यू शुड बी एबल टू सम सार जो कहते हैं दूसरा है रेफरेंस टू कंटेक्सट विच इज़ बेसिकली आपको टेक्स्ट से फेमिलियर होना पड़ेगा यू you नो know. आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं से किसी भी टेक्स से कुछ लाइनें लेकर एक पैराग्राफ लेकर आपको दिया गया यू शुड बी एबल टू नो कि किस टेक्स्ट का है किस ऐसे का है किस कविता का है किसने लिखा है और उसमें कहा क्या जा रहा है यू नो सो यू नीड टू फेमिलियर ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम देन मूविंग ऑन द शॉर्ट आंसर्स यू नो दो विल बी मोर अबाउट जैसे स्कूल में आपको नहीं पूछते थे जैसे इंग्लिश में कोई स्टोरी आपको बता दिए और फिर सवाल आता है वॉट डिड मिसटर ए से टू मिस बी या फिर वॉट डिड ए डू ऑन द इवनिंग ऑफ वॉट एवर लाइक यू नो सो इस तरह के वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें प्लॉट के बारे में डिटेल्स पूछे जाए ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट आंसर्स में आते हैं लॉन्ग विल बी मोर क्रिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन जहाँ पे आपको थीम्स के बारे में पूछा जाएगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन या फिर मेन पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए सो दैट्स हाउ विल गो अबाउट इट सो दैन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एस से आपका जो है पावर ऑफ प्रेयर बाई ए पी जे अब्दुल कलाम ऑब्वियसली यू शूड नो हु अब्दुल कलाम इज़ यू शूड नो बेट अबाउट इज लाइफ एंड देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन इट सेल्फ यू नो सो लाइक यू नो मोस्ट ऑफ ऑल लाइक यू नो अब अगर आप <laughs> मेरी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे आपको क्या है इंग्लिश साहित्य को समझने में हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है सो मोस्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ यू आई नो लाइक यू नो आर स्टडिंग फ्रॉम गाइड्स सो आई जस्ट फॉलो दैट फॉर्मेट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ एंड बिफोर मूविंग ऑन टू दैट दो डिस्क्लेमर दीज क्वेश्चन आर नॉट अथॉरिटेटिव एक जो क्या है पैटर्न है कॉमन पैटर्न है जिसके अनुसार ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं बट दिस डज नॉट मीन कि यही सवाल आएंगे या फिर इसी रूप में आएंगे हो सकता है कुछ और ही सवाल आ जाए या फिर यही सवाल कुछ और तोड़ मरोड़ के किसी और शब्दों में दिए जाए सो बी अवेयर ऑफ दैट और अगर कल को इनमें से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनमें से कुछ ना आए तो मुझे मत कहिएगा दिस इज़ जस्ट टू गाइड यू कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर जो आते हैं या फिर विच डील विद द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप बाकी क्वेश्चंस भी आसानी से आंसर करें मैं बस उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा आई एम नॉट इवन आई एम आउट लाइक यू नो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पावर ऑफ प्रेयर गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अब्दुल कलाम एज एजेड इन दिस दिससे देन राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ कलाम्स फादर तो बेसिकली इससे क्या है यू शुड बी फेमिलियर विद कलाम्स फैमिली एंड स्पेशली हिज फादर्स नेचर एंड वॉट दैट जो कि सब टेक्स्ट में है

Keep these things in mind. Okay, long answer to give an account of Abdul Kalam's childhood as described in the essay. This is very important. What were the religious beliefs of Kalam's father? What was their impact on Kalam? Uh, what is the power of prayer according to Abdul Kalam? What message does he give to the people of India? Again, a very important question. So, as you see, like you know, same question can be asked. एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और जिस तरह से मैंने आपको बताया यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली दो मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें दो पेज लिख के आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे राइट टू थ्री सेंटेंसेज एट द मोस्ट हाफ अ पेज इवन दैट इज टू मच और जहाँ की लॉन्ग आंसर की बात हुई तो दस दस पेज लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको लगता है आपका दो तीन पेज में काम हो गया यू हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स देन दैट्स इट लाइक यू नो ज़्यादा लिखने के नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे अगर आपने बस क्या है <laughs> फालतू चीज़ें लिख दी है देन विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट बाय रोमे रोलॉन्ग सो अगैन यू नीड टू नो अबाउट विवेकानंद यू नीड टू नो अबाउट द कंटेक्स एंड यू नीड टू ऑब्वियसली नो द समरी ऑफ द एसे द फैक्ट्स द डिटेल्स सो वॉट वॉज विवेकानंदॉट्स एज यू विजिटेड चाइना एंड जापान ऑन हिज वे टू शिकागो Then how did Vivekananda feel when he reached America? What was Vivekananda's response when he first reached Chicago? Then a very important question: briefly describe Vivekananda's speech at the Parliament of Religions. This is one of those questions which usually come. Similarly, describe the opening of the Parliament of Religions at Chicago and the appearance and the message of Vivekananda at the Parliament. Very important questions. Mm. again another very important question what were the difficulties faced by Vivekananda during his journey to chicago to take part in the parliament of religions and how did he overcome them describe the opening of the parliament of religions at chicago and the appearance and the message we have already discussed so all of these important questions which basically shows that ki टेक्स्ट पता होना चाहिए अगर आपको टेक्स्ट पता है कि विवेकानंद की जर्नी कैसी रही क्या क्या हुआ उनके साथ और उनकी स्पीच में क्या था द स्पीच इज़ स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो दैट और अगर आप uh, मेरे जो मैंने इस ऐसे पे वीडियो बनाई थी उस पर आप देखेंगे सो देर इज ऑल्सो अ लिंक टू दी ओरिजिनल स्पीच जो विवेकानंद ने उस समय दी थी नेक्स्ट ऐसे इज अमर्त्या सेन्स मोर देन हंड्रेड मिलियन विमेन आर मिसिंग अगैन यू नीड टू नो हु अमरतिया सेन इज ऑब्वियसली एंड देन मूविंग ऑन Uh, questions like you know, short questions, long questions. So, first of all, short questions, may I think like you know, you should uh, go for things like, um. What are the two simplistic explanations given to explain the higher ratio of women vis a vis men in Europe and USA as compared to Asia and North Africa? Are women biologically weaker than men? What are the factors for a low ratio of women to men? Important, hai sawal. What is the ratio of women to men in India? Is it the same in different regions and different economic classes? Then, a very important question how does employment outside home help in improving the status of women? Because this is one of the main arguments that Amartya Sen presents. Again, another very

याद कर लिए या जो भी है जैसा भी आपका तरीका है एग्ज़ाम्स के लिए सो देन यू कैन ईजिली डील विद द शॉर्ट वन बिकॉज अगर आपको डिटेल पता अच्छे से आपने टेक्स्ट समझ लिया ऐसे समझ लिया है लॉन्ग आंसर आपको आता है सो so उसी का ही पोर्शंस लेके करेक्ट पोर्शंस लेके आप उसे शॉर्ट आंसर भी बना सकते हैं नेक्स्ट ऐसे ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड बाय विलियम हैजलेट सो अगैन बैकग्राउंड कंटेक्स यू शुड नो क्या है क्यों लिख रहे थे ऐसा ये विलियम हैजलेट एंड देन कमिंग टू द क्वेश्चन लाइक यू नो सो फर्स्टली सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वॉन्स विल बी वॉट आर द ट्रेट्स ऑन एनकाउंटर्स इन दोज हैजलेट कॉल्स द लर्नड इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ डज हैजलेट क्रिटिसाइज द वो फुल डेफिशेंट बुक इज लर्निंग कॉज इन अ वे द एंटायर इस इज अबाउट दिस ओनली सो यू शुड डेफिनेटली नो दिस Um, moving on, elaborate how human learning has been used to make nonsense appear sacred. again, an important question. and then a very important question in what way does on the ignorance of the learned convince us that human genius and human learning are not necessarily linked? very important, you know. Ah, then the next essay is simply living by ruskin bond you should know who ruskin bond is and what he does etc etc um, important question short answer do you agree that ruskin bond's fascination for the flora and fauna plants and uh, give, uh, gives unique charm to his writing what are Bond's thoughts on turning fifty? Again, important and a very important question. You usually aata hai. How does Bond describe the infinity of mountains? This is an important question. yeah. usually aata hai. Then, uh, long answers ki baat kare to write an extended note on Ruskin Bond's sense of humor. Substantiate your answer with illustrations from the text. Right? And then again, how does Bond provide glimpses of different seasons and hues of nature in the essay? Moving on, next essay towards creating a poverty-free world by Muhammad Yunus. So you should know Muhammad Yunus is. You should know the background. You should know the text. You should know what Grameen Bank is. All of this. And then coming to the questions, a very important question. When and why did the author's enthusiasm for economic theory start to wear off? Unki personal kahani Why did Yunus want to learn the real life economic conditions faced by the poor people? What did he do for this? Then a very important question: what shocked Eunice when he made a list of the poor people who needed working capital? How did he help them? What idea did it bring to his mind? Next question How was the concept of Grameen Bank evolved? Again, very important because this is pretty much it. Uh, again, another very important question What, according to the author, is the best way to eradicate poverty and unemployment? Because solutions, you know, and what does the author say about self employment? And again, how does Grameen Bank help the poor people? Very important. If you can remember some. फिगर्स uh, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह काफ़ी है या ऑल्सो अमर्थ्या सेन वाले ऐसे में अगर थोड़े बहुत अगर आप स्टैटिस्टिक्स फिगर्स नंबर्स याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया एंड देन अगेन हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक की वर्ल्ड वेरी इंपॉर्टेंट वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट वाट आर ऑथर्स व्यूज़ अबाउट दैम दिस ऑल्सो इम्पॉटेंट एंड फाइनली जो आपका जो लास्ट ऐसे है क्लाइमेटिकेंज एंड क्लाइमेटिक चेंज एंडमन स्ट्रैटजी बाई ई के फेदरोव तो यू शूड नो ई के फेदरोव क्या है टेक्स्ट में क्या क्या कहा गया है क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस ऐसे में वाई लूअर आंसरिंग दिस यू कैन यू नो यूज़ लोकल एग्जाम्पल यू कैन यूज़ Hmm, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक जब से के फेडरो लिख रहे है तब से इस पर बातचीत चल ही रही है आजकल भी चलते रहती है और आगे भी चलेगी सो यू कैन ऑलवेज़ कनेक्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स विद द प्रेजेंट क्योंकि ये ऐसे तो काफ़ी पुराना है सो यू कैन ऑलवेज़ अपडेट योर आर्ग्यूमेंट्स विद आजकल क्या चल रहा है दुनिया में इवन लोकल एग्जाम्पल्स इफ़ यू वांट हिमाचल के रिलेटेड क्लाइमेट के बारे में कि जैसे कि क्या है एप्पल लाइन ऊपर जा रही है कुलू जैसे कुल्लू जैसी जगह में जहाँ सेब पहले उगते थे आजकल अब क्या है संतरे वंतरे बाकी अनार उग रहे हैं और सेब उगना बंद हो गए हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है वहीं लाहौल जैसे क्षेत्रों में अब ज़्यादा सेब उग रहे हैं सो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दिस थिंग एंड दैट्स वॉट एम थिंग स्पेशली वैन यू कम टू लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स यू कैन ऑलवेज यू नो इट इज़ गुड इफ़ यू कैन कनेक्ट द टेक्स्ट टू योर एनवायरमेंट और द जनरल कल्चर और वर्ल्ड में क्या हो रहा है अगर इन सबसे कनेक्ट करते हैं दैट मेक्स फॉर अ वेरी गुड आंसर सो एनी हाउ ई के फेडरोव क्लाइमेटिक चेंज सो शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ ई के फेडरोव जैसे Um, and uh, uh, talk about this uh, line annotate the following human existence, like the existence of other living beings, necessarily has its effect on nature. So, again, RTC type of question you should know these things. He is talking about this particular quotation. It is consequently essential that we develop a clear strategy that we plan a set of long term action which will enable man to avoid the adverse consequences of such changes. So, these are some of the questions. Uh, how does E.K. Fedorov define climate? Very important. Uh, describe climatic change that have occurred in the past why does ek federal plead for a long term program to tackle the changes in the climate very important does ek federal suggest that socio economic conditions of countries have to be considered in finding solutions for climatic changes how which level of planning is most required to solve climatic problems—local, regional, or international? Elaborate. Then moving on to the long answer questions. You know, why does E.K. Fedorov think that the public as well as the scientific community should be concerned with the phenomenon of climate change? Very important question because obviously, like you know, it relates to. Um, इसको आप कंटेप्ररी उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं वट अकॉर्डिंग टू ई के फेदोव आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स इजपांसिबल फॉर क्लाइमेटिक चेंज ओवर द ईयर्स अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस द थ्री स्ट्रेटेजीज इ के फेदरोव सजेस्ट टू डील विद द क्लाइमेटिक चेंज एट द लोकल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स सो दैट्स इट फॉर द येस इज मूविंग ऑन टू द पोएट्री सेक्शन सेवन पोम्स फ्रॉम रिपल्स ऑन द सैन्स ऑफ टाइम फर्स्ट पोम इज अज़ाम ऑफ़ लाइफ बाय हैंनरी वॉजवर्थ लॉन्ग फेलो राइट सो अगैन यू शुड नो हु द पोइटेज आपको कविता के बारे में पता होना चाहिए एक एक लाइन के कहीं से अगर आपको एक लाइन को एक पैसेज जा आ जाता है क्वेश्चन में रेफरेंस टू कंटेक्ट यू शुड नो की ये इस कविता का है और इस इंसान ने इस व्यक्ति ने लिखा है सो बट मूविंग ऑन द शॉर्ट आंसर्स वाई ड्यू थिंक द पोएम अ ऑफ़ लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम और वट इंस्पिरेशन टू यू गेट फ्रॉम द पोएम अ ऑफ लाइफ ऑलसो यू शुड नो वट जाम इज एट्सेट्रा एट्सेट्रा टाइटल क्लियर होना चाहिए सो यू नीड टू नो द कंटेक्स्ट देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट आर द इपॉर्टेंट मेटोफॉर्स यूज बाय द पोएट टू कन्वे हिज मैसेज तो जिस तरह से थीम्स की बात होती है वैसी स्पेशली वैन यू आर टॉकिंग अबाउट पोएट्री Metaphors and imagery related questions are very important. Uh, why do you think that the poem is an optimistic poem in spite of highlighting the transience of life? This is also a good question. Write a note on the imagery in the poem, very important. Uh, and then, like, moving on to the next poem Animals by Walt Whitman.

यू विल रियलाइज दैट इन तीनों क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है थोड़ा बहुत अलग है द वे यू आंसर इट जो तरीका आंसर देने का अलग है बट जो कंटेंट है इज प्री मच द सेम यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लॉन्ग आंसर्स इन वॉट रिस्पेक्ट आर एनमल डिफरेंट फ्राम एंड इन अ सेंस हैपियर देन ह्यूमन बींगस एंड देन अ वेर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डू यू थिंक वॉट विट मैन फाइंड एनिमल्स ईजियर टू मैनेज एज कमेयेयर टू ह्यूमन बींगज इलस्ट्रेट फ्राम द पोम बिकॉज दिस इज वन मे आडियाज ऑफ द पोम ये नो

And then short answers, a very important question. In what way is the poet's perception of death different from the general perception of death? A very important question. Another important question what would the poet want her beloved to do after she is dead? Because, again, so if you understand the poem, if you know the poem, there should be no difficulty in answering these questions. Then long answers, very important. When I'm dead, my dearest is a poem about the inevitability of death and not about the fear of death. Do you agree? Again, since it's a long answer, do you agree? You can't just say yes, no. एंड देट से दो तीन पेज तक आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों जो आप ओपिनियन दे रहे हैं राय दे रहे ऐसा क्यों है यू नो यू नीट बी एबल टू जस्टिफाई थ्रू टेक्सुअल एग्जाम्पल टेक्स से आप एग्जाम्पल लीजिए एंड लाइक यू नो ऑल ऑफ दैट मूविंग ऑन another very important question write a note on the imagery in the poem so all of this you need to know like i said themes ki tarah sath especially when we are talking about poetry you need to know the imagery and the metaphors used you know you need to be familiar with them uh, next poem is rudyard kipling's if a very beautiful poem a very uh, common poem so isme kya hai what is the advice given in the poem to make life happy this is important what is the significance of the title if why do so many lines in this poem begin with a Very important, very important. Then, next question explain the meaning and significance of the following lines. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. So, again, like important quotations, or at least like all the important lines you should be able to explain, you know. This will help with reference to context also. So, again, then obviously you need to know the summary of the poem if very important. Or what is the philosophy offered in this poem to make life happy again similar questions but very important what are the qualities kipling suggests for achieving a happy and successful life what is the significance of this poem for you as a reader so again exes are आंसर देते हुए बस तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा शब्द थोड़े अलग हो सकता है बट जो गूढ़ तत्व है जो मटेरियल है जो कंटेंट है प्रिस्प्रिटी मच द सेम राइट देन द नेक्स्ट पोम द लेक आइल ऑफ इंडस्ट्री बाय विलियम बटलर येट्स अगेन यू नीड टू नो येट्स और भी कई कविताएं आपने इनकी पढ़ी है अपने कोर्स में सो यू शुड बी फमिलियर विद दिस मैन आयरिश इंग्लिश पोएट वाइट डज द पोइट विश टू गो टू द लेक आइलैंड ऑफ इंडस्ट्री ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द होल पोम इज बेस्ड ऑन दिस ओनली Uh, what is the theme of the poem? Very important. Write a critical summary of the poem. Again, similar. How does the poet describe the natural environment in the poem? The Lake Isle of Innisfree. You should know this because the whole poem is about this. So, this is also important. Next poem The Olive Tree by marco connor Australian poet. You should know. Olive Tree, is kafi references, biblical references, references. So, you need to be clear about all of this. If not, like, you know, again, go through the videos I have made. Comment Comment on the theme of the poem, very modern. Discuss the olive tree as a nature poem, important. Uh, elaborate how the human world and the world of nature intermingle in the poem, the olive tree, this is also pretty important. Long answers. Comment on the significance of images used in the poem, or else imagery or whatever, important questions. Hai ye Discuss the themes in the poem again, so all of that is there. Uh, finally, the last poem, Refugee Mother and Child by Chinua Achibe. <laughs> सो इस पे नाइजीरियन पोएट हैं आपको इनका कंटेक्स पता होना चाहिए किस तरह की कविताएं या फिर कहानियां नॉवेल्स लिखे इन्होंने थोड़ा बहुत इनके बारे में आप जाने तो बहुत बढ़िया रहेगा देन वी मूव ऑन टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डू यू थिंक द पिक्चर ऑफ द रिफ्यूजी मदर एंड अर चाइल्ड इज अ रियलिस्टिक पिक्चर All right, uh, then a very important question. Write a note on the images of utter helplessness in the poem, Refugee Mother and Child. Do you think the poem carries a note of protest? Uh, this also is important. And long answers, how is this poem a poem of appreciation for all the mothers of the world? This is pretty important. And write a note on the emotional appeal of the poem. Important again. So, uh, and that's about it, you know. और सो दूसरा ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगैन प्लीज दीज आर जस्ट ये आपका मार्गदर्शन करने के लिए है दिज आर टू गाइड यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचें यही सवाल आएंगे पेपर में और यही तैयार करके जाएं और कल को जब नहीं आए और आप फेल हो गए तो फिर मुझे गाली दे रहे हैं प्लीज़ लाइक डिस्क्लेमर दीज आर टू गाइड यू एटलीस्ट द वे आई फील ज़्यादातर यही सवाल आते हैं और इवन इफ ना आए तो एटलीस्ट अगर आपने यही सवाल तैयार कर लिए आपको टेक्स्ट बारे समझ में आ जाएगा सो so दैट अगर कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो यू शुड बी एबल टू टैकल दो राइट थोड़ा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी है ना अपनी सब कुछ आपको यहाँ मैं नहीं दे सकता वीडियो पे एनी हा सो लास्ट थॉट्स यू नो जस्ट वॉन्ट टू एड अ फ्यू थिंग्स टू हेल्प यू राइट योर आंसर्स तो इन चीज़ों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं जैसे सिक्स डब्ल्यूज हु वॉट वेयर वाई वैन हाउ सो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है स्पेशली फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थिंक अबाउट दिस हु किसके बारे में बात हो रही है किसने किया या फिर वॉट कहाँ के कहाँ की बात हो रही है वैन कब की वेयर क्या कहाँ पे हा आओ, कैसे क्या कि अगर किसी बात की घटना की बात हो रही है तो कैसे हुई एंड वाई फाइनली क्यों क्यों कर रहा है कि एक किरदार ने अगर ऐसा किया है तो क्यों कर रहा है सो ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन थिंक अबाउट दम नेक्स्ट पॉइंट इज बिगिनिंग मिडिल एंड लाइक यू नो लाइक आई सेड यू कैन स्टार्ट रामायण विद राव डेथ यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल मॉडर्न नावल में यू कैन एंड देन यू गो बैक इन टाइम बट जनरली यू नो बिगिनिंग मडल एंड सो इंट्रोड्यूस योर आइडिया अगर आपको जैसे किसी कविता के थीम्स के बारे में पूछा कर रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द थीम्स देन ग्रेजुअली बिल्ड इट अप मिडल उसकी भूमिका बनाइए उसको बढ़ाइए एक्सपैंड कीजिए टेक्स्ट से उदाहरण लेके आप कविता से उदाहरण लेके आप उस अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए तर्क दीजिए एंड फाइनली यू कंक्लूड वेयर यू कैन मे बी यू नो एड जनरल कॉमेंट्स यू कैन एड जैसे मैं आपको बताती हूँ यू कैन कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल ऑफ दैट सो दैट विल मेक फॉर अ गुड आंसर एंड फाइनली वन मोर आइडिया आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हेयर इज शो एंड टेल तो लिखते हुए यानी कुछ अगर आप चीज़ बता रहे हैं तो दो तरीके होते हैं वन इज लाइक यू नो यू शो समथिंग एंड द अदर इज टेल टेल tell. Tell क्या है बताना शो है दिखाना तो बताना क्या है जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है डी यू अग्री दैट फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉक अबाउट कलाम वाले ऐसे की बात करें सो so आपसे पूछा जा रहा है do यू अग्री दैट कलाम इज a रिलीजियस मैन सो लाइक यू नो एक तरीका यस yes, कलाम इज a रिलीजियस मैन टेल बता दिया आपने बट देन यू ऑल्सो नीड टू शो इट यू नो तो यू नीड टू ऑल्टरनेट टेल के साथ साथ शो भी करना है शो कैसे करेंगे देन यू नीड टू टेक एग्जाम्पल्स उदाहरण लीजिए टेक्स्ट से और बताइए कि कलाम जो आप कह रहे हैं कि कलाम रिलीजियस आदमी है धार्मिक इंसान है तो ऐसा आपको क्यों लगता है वो आप दिखाइए टेक्स्ट के उदाहरण से तर्क से जैसे भी राइट सो सिक्स डब्ल्यूज़ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड शो एंड टेल एंड Hmm. हाँ ग्रामर की बात करें तो ये आपका अगेन लाइक यू नो चार टॉपिक्स हैं वन वर्ड सब्सटीशन वर्ड्स यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ नाउंस इन वर्ब्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड होमोनिम्स होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स चार टॉपिक हैं चारों पाँच पाँच मार्क्स के आते हैं और बेसिकली कैसे आते हैं हर टॉपिक में आपको पाँच सवाल होंगे एक एक नंबर के सो दैट कम्स टू फाइव मार्क्स ईच एंड फोर टॉपिक्स फाइव इंटू फोर ट्वेंटी सो जैसे वन वर्ड सब्सटीशन आप जानते हैं पाँच आपको सेंटेंसेज दिए होंगे जैसे कि फर्स्ट मील ऑफ़ द डे ब्रेकफास्ट तो so, आपको एक एक शब्द वन वर्ड देना है उनके लिए वैसे ही वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउम्स एंड वर्ब्स उसमें आपको कुछ शब्द दिए होंगे और उन शब्द को आपको सेंटेंसेस बनाने हैं एक सेंटेंस एज अ नाउन एक सेंटेंस एज अ वर्ब ऐसे पांच क्वेश्चंस होंगे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री इसमें आपको क्या करना है डिग्री पाँच वाक्य दिए होंगे उसमें आपको डिग्री बदलनी है पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव ये सब प्लीज़ रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज़ एंड देन फाइनली टू होमो होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स तो उसमें यू विल बी गिवन सम वर्ड्स विच आर विच विचार होमोनिम्स होमफोन एंड होमोग्राफ्स और उसमें से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें दो सेंटेंसेस बनाने होंगे हर वर्ड के लिए जिसमें आप उसके अलग अलग मीनिंग्स दिखा पाए जैसे अगर डाई डाई की बात हो रही है डी आई ई डी वाई ई तो आपको दो सेंटेंसेज बनाने हैं माई डॉग डाइड एंड आई डाइड माई पैंट रेड

बुरी हालत है जिन्होंने अभी तक किताब नहीं खोली है बिल्कुल और जिन्हें अब लगता है कि ज़्यादा समय नहीं बचा है या फिर उनको ज़्यादा इच्छा ही नहीं है पढ़ाई करने की बिकॉज आइडियली आपको क्या है साथ के साथ एसेज और साथ के साथ पोइट्री अच्छे से पोम्स आने चाहिए बट बट इफ़ अगर लाइक आई सेड इफ यू आर इन अ बैड कंडीशन आपको लगता है कि पास होना बड़ा मुश्किल है देन आई विल से यू कैन लीव टू एसेज एंड टू पोइम्स यू कैन लीव दैम आउट क्वेश्चन पैटर्न होते हैं और चॉइसज़ होते हैं तो अगर आप चॉइसेस को ध्यान में रखेंगे तो अगर आप दो एसेज और दो कविताएं छोड़ भी दें तब भी आपका काम चल जाएगा यू नो बट उसके लिए जो अगर जो बाकी के जो आप तैयार करें यू शुड बी वेरी गुड एट दैट सो आइडियली यू शुड नो ऑल द चैप्टर्स बट इफ़ यू फील आपसे नहीं हो पाएगा आपकी बुरी हालत है सो यू कैन लीव टू आउट तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जैसे एसेज में आप मे बी अमर्त्या सेन और विलियम हैजलेट वाला ऐसे छोड़ सकते हैं बिकॉज दीज आर स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड और वैसे अगर कविताओं की बात हो तो आई कुड सजेस्ट मे बी कि आप अजाम ऑफ लाइफ और शायद लेक ऑफ लेक आइल ऑफ इनस्ट्री छोड़ सकते हैं बाकी आपकी मर्जी है कॉज दीज आर स्लाइटली लॉन्गर और अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड बट दैट इज अप टू यू बट ग्रामर तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा सो दैट्स इट एंड फली लाइक यू नो ऑल ऑफ दिस ये जो प्ले लिस्ट मैंने बनाई है ये आपके काम आई है एंड या गुड लक फॉर द एग्जाम्स एंड सी यू अगैन मे बी